ओके हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो दिस इज अमित रंजन एंड आज के सेशन में हम बात करेंगे, क्योंकि हमने कल कूलॉम्स लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। ठीक है, और चिंता मत कीजिए, कूलॉम्स लॉ के और सारे क्वेश्चन जो जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जाएंगे, हम कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसे मिला जुला के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करते रहेंगे। ठीक है, सो दिस इज मी, माई नेम इज अमित रंजन। ओके, सो आज जो हम रीड करने जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, एक चीज और कि प्लीज चैनल को जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छे लगे उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में जो कि जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा जो कंटेंट है वो पूरा ही आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, कोई आपको चार्जेस वगैरह कुछ देने नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हम बात करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके आपने पढ़ा होगा इसको बहुत अच्छे से, हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ में करेंगे। सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जैसे मान लो कि आपके पास क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है दैट इज क्यू। ठीक है, इफ दिस इज द पॉइंट चार्ज, इसके चार इसके रीजन मतलब इसके चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड बनता है। ठीक है, जहां पे ये वो फील्ड होता है जहां पे क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई किसी चार्ज को किसी दूसरे चार्ज को अगर आप यहाँ पे ला रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज आप क्यू नॉट ला रहे हो, तो दिस क्यू नॉट चार्ज विल फील अ फोर्स, मतलब इस पूरे रीजन में कहीं पे भी अगर आप लाओगे तो ये एक फोर्स फील करेगा। तो बेसिकली दिस रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली, इसको कैसे लिखोगे आप, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, एफ डिवाइडेड बाय क्यू। सो दिस इज बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो होगी ये सिंपली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होती है कि मतलब किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सो दैट विल बी बेसिकली एफ ओवर क्यू। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है, अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहां पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी रेडियली आउटवर्ड। एंड इफ यू टॉक अबाउट नेगेटिव चार्ज, अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज रेडियली इनवर्ड। यहाँ पे इसको क्या लिखोगे आप, दिस विल बी रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो आउटवर्ड और इनवर्ड का कंसेप्ट ये है कि मतलब अगर आपका पॉजिटिव चार्ज जो है, इफ दिस इज पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इससे बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इससे बाहर की तरफ आएगा, और अगर आपने नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसमें अंदर की तरफ आता है, रेडियली इनवर्ड आता है। ठीक है, सो दिस ये जो होता है बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अच्छा अगर वेक्टर वाइज जैसे हमने वहां पे लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, दिस विल बी 1/4πε0 एंड दिस विल बी क्यू आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब। ठीक है, जैसे वहां पे लिखा था सिंपली क्या करना, आपको एक चार्ज से डिवाइड कर देना, वहां पे आपने क्या किया था, आपके दो चार्जेस थे q1 q2, यहां पे सिंगल चार्ज हो जाएगा जिस चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। याद रखना यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता दैट इज ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज यहां पे होना चाहिए, ये नहीं कि जो टेस्ट चार्ज ला रहे हो आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करो, टेस्ट चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना जो आपका चार्ज स्टडी होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उससे जनरेट किया हुआ हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। अच्छा, इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना कि अ चार्ज ऑफ क्यू दैट इज इक्वल टू 1 μC एट, एक माइक्रो कूलम चार्ज है कहां पे, 1, 2 and 4 पे, दैट इज इन मीटर, इस कोऑर्डिनेट पे आपका एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड जो है दैट इज 1 μC। उसके बाद आपसे पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां पे फाइंड करना है, 0, -4 and 3 meter पे, मतलब इस पॉइंट पे बेसिकली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और चार्ज जो है वो आपको इस पॉइंट पे रखा हुआ है। मतलब ध्यान से समझो कि यहां पे कोई चार्ज है, इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1 μC। ठीक है, ये रखा हुआ है यहां पे। अब इसके कारण इस पॉइंट पे जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या, 1, 2, 4 है। ठीक है, 1, 2, 4 है, इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करना। अब यहां पे देखो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर फॉर्म में देना आपको। ठीक है, अच्छा तो इसको फाइंड कैसे करते हैं, आपको यहां पे पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर की, तो R1 पोजीशन वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका, जहां पे आपका चार्ज है, मतलब ये चार्ज जहां पे उसका पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर टू। अगर हम आर टू की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका, जहां पे सॉरी ये जो पॉइंट चार्ज है, सॉरी ये पॉइंट चार्ज आपका यहाँ पे 1, 2, 4 पे, सॉरी, और ये जो हो गया आपका 0, -4, 3 पे, ठीक है। तो आपको आर टू कितना हो गया, 0 i कैप, ठीक है, -4 j कैप, +4 k कैप, +3 k कैप, सॉरी। तो ये हो गया आपका आर वन एंड आर टू। अब देखो, अगर चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, मतलब इधर से इधर की तरफ, दिस पार्ट इज ओके। अगर आपको ये लिखना आता है तो पोजिशन वैक्टर के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप इसको, तो दिस विल बी रिटर्न एज R2 - R1। और आपको पता है कि R1 और R2 है क्या, R2 कितना आपका 0 i कैप, -this, -+3 कैप, और उसमें क्या करना, इस वाले को आपको माइनस करना। तो इसको अगर आप माइनस कर दोगे आपका क्या बन जाएगा, R2 - R1 दैट इज इक्वल टू -i कैप, -6 j कैप, +k कैप। आपने क्या किया, R2 - R1 मतलब आपने ये वाली डायरेक्शन और विद मैग्नीट्यूड आपने ये वेक्टर फाइंड कर लिया। अब क्या करना, इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो R2 - R1 इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू √1 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, मतलब दिस विल बी √38, राइट, ये तो होगा ना √38। इसका मतलब R2 - R1 का अगर आप क्यूब लेते हो, ठीक है, क्योंकि आपको क्यूब की जरूरत पड़ेगी, तो दिस विल बी इक्वल टू 38 की पावर 2/3। ये आपका आ गया, मतलब सिंपली क्या करना, इसका स्क्वायर करके आप ये फाइंड कर लोगे। ओके, वेरी गुड, ये आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या करना, इफ यू आर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सो दिस विल बी 1/4 πε₀। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू डिवाइडेड बाय R2 - R1 इसका क्यूब डेफिनेशन से, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, R2 - R1, राइट। तो R2 - R1 की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻¹। उसके बाद ये कितना हो गया आपका, 1 μC, 1 × 10⁻⁶। R2 - R3 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 38 की पावर 2/3, और उसका R2 - R1 इसका मतलब क्या हो गया, -i कैप + 6 j कैप + k कैप। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट। मैं लिख देता हूं डायरेक्ट रिजल्ट, आप इसको कैलकुलेट करके कंफर्म कर लेना, -38.42 i कैप, ठीक है, ये i कैप j कैप k कैप अलग अलग फॉर्म में आ जाएगा, -231.5 j कैप + -38.42 k कैप, सो इतना न्यूटन पर कूलम। तो ये जो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फॉर दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम था सिंगल चार्ज का जो सिस्टम है, और इसका आंसर जो होगा वो इतना हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा ध्यान से, हाँ, उस अगले क्वेश्चन से, चलो अगला क्वेश्चन से पहले एक चीज और पढ़ देते हैं, दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो टॉपिक जो होगा, दिस विल बी चार्ज डेंसिटीज, ठीक है, इसको एक एक करके बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट पहले थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ दो, समझ लो कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सो इफ यू टॉक अबाउट लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं लैम्डा लिखता हूं, सो दिस विल बी इक्वल टू dQ/dx, dx लिख दो या dl लिख दो, बात बराबर है। मतलब क्या हो गया कि अगर ये मान लो कि आपका कोई सिस्टम है, इसके इसमें पूरे में चार्ज है, इफ दैट इज लैम्डा, ठीक है, और अगर इसकी लेंथ जो है, इफ दिस इज l, तो सॉरी चार्ज जो है दैट इज q, एंड इसकी लेंथ जो है इफ दैट इज l, इसका मतलब कितना हो गया, लैम्डा दैट इज इक्वल टू q/l, ठीक है। और अगर किसी छोटे से रीजन में लेना, इनफाइनिटेसिमल रीजन है, तो उस केस में लैम्डा को क्या लिखोगे, दैट विल बी इक्वल टू dQ/dl। सो दिस इज योर लैम्डा, दिस इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लिखते हो सिग्मा, तो दिस विल बी, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज एरिया, एरिया एरिया का मतलब हो गया आपका सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या हो गया आपका, dQ/dS, ds का मतलब हो गया इनफाइनिटिसिमल एरिया, या फिर ऐसे बोलोगे इसको सिग्मा दैट इज इक्वल टू q/s, या टोटल एरिया के फॉर्म में अगर आपको लिखना, तो इस तरह से। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को भी आप लिख देना ऐसे, ठीक है। तो ये होगी आपकी चार्ज डेंसिटी। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पहले रीड करना, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि ये क्वेश्चन आपको क्या मांग रहा है आपसे। सो यहां पे आपसे पूछा गया है कि मान लो कि आपके पास क्या है कि एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इसकी लेंथ जो है, मतलब यहां से क्या करना है, इस पॉइंट पे ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज ए, ये लेंथ ए है, इसकी लेंथ जो है दैट इज एल, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इफ दैट इज लैम्डा। मतलब एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा, इससे ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली ए डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो आपसे पूछा ये जा रहा है,
ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, तो चलो एक बार आराम से हम करते हैं। देखो ध्यान से मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि चूंकि देखो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहले देखो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना, अभी गॉस लॉ नहीं कर रहे हो इसलिए सबसे पहले क्या करना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फाइंड करोगे। तो बोलोगे सर ये तो लैम्डा है तो यहां से हम पॉइंट चार्ज कैसे फाइंड करेंगे। पॉइंट चार्ज फाइंड कर सकते हैं कैसे, तो यहां पे एक हम इनफाइनाइटेसिमल रीजन ले लेंगे, एक छोटा सा रीजन ले लेंगे। तो ये छोटा सा रीजन, अब देखो यहां पे आपका लैम्डा क्या है, दैट इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल। इसका मतलब डी क्यू कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा इंटू डी एल। मतलब ये जो छोटा सा रीजन है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, दैट विल बी लैम्डा टाइम्स डी एल। इसका जो चार्ज हो जाएगा दैट विल बी लैम्डा टाइम्स डी एल। इसका मतलब यहां से, और अच्छा और एक काम करो कि इसका ये जो डिस्टेंस है यहां से वो डिस्टेंस मान लो कि दिस डिस्टेंस इज लैम्डा इनटू डीएक्स कर दो, क्योंकि एक्स के फॉर्म में हमें करना है। सो लैम्डा इनटू डीएक्स और ये डिस्टेंस जो इसको एक्स मान दो। अच्छा अब देखो, अब आपको पता चल जाएगा कि अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो जाएगा यहां पे, dq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, देखना जरा। dq डिवाइडेड बाय यहां से ये डिस्टेंस जो x है, x क्या है, x इज अ वेरिएबल डिस्टेंस, x जो है वो वेरिएबल डिस्टेंस है। नाउ यू कैन चेंज x इन टर्म्स ऑफ a एंड l, लेकिन वो काम करेंगे कैसे उसको जरा देखते हैं। सो e दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। याद है लैम्डा टाइम्स dx दैट इज dq टाइम्स x स्क्वायर। ओके, सो अब अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इसको आप स्मॉल ही लिख देना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ d, d का इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, इसको बाहर दे दो, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर हो गया ना। अब देखो आपका dx कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x जो है इस रॉड के लिए यहां से लेकर यहां तक वेरी कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस क्या आपकी a है, आखिरी यहां से ये वाली डिस्टेंस आखिरी लोगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी a plus l, तो a to a plus l, this part is okay। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा माइनस 1 ओवर x, कहां से कहां तक, सो दिस विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम a टू a प्लस l तक, राइट। हाँ या ना, इसका मतलब अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर लेना, मैं आंसर लिख देता हूं, आप चेक कर लेना इसको। सो द आंसर विल बी l प्लस a तक, क्या, हाँ हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट लैम्डा l डिवाइडेड बाय a इनटू a प्लस l, ठीक। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, a प्लस l जो होगा ये आपका आंसर आ जाएगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, शायद मेरे ख्याल से ठीक है ये, अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मान लो कि आपका क्या है, रॉड है एक, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज लैम्डा, ठीक है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसके सेंटर से एक डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज मान लो कि ये डिस्टेंस जो आपका ए है, ठीक है, ये मतलब पॉइंट जो है ए है, यहां से ये जो डिस्टेंस है, इफ दिस डिस्टेंस इज आर, अगर ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, तो आपको बताना कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके कारण क्या होगा। याद रखना फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों ही केस ले सकते हो, तो हम फिलहाल मान लेते हैं कि चलो ये आपका फाइनाइट है, फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कि अगर आपका मान लो कि ये फाइनाइट लेंथ का है तो उस केस में इस पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा। तो मैं इसको एज अ होमवर्क आपको छोड़ देता हूं, आप प्लीज इसको एक बार ट्राई करना, क्योंकि देखो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो इसको भी उसी तरीके से करना, क्या करना है, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, उसके कारण फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, देखो कि नेट मैग्नीट्यूड किधर की तरफ जा रहा है, फिर उसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक करके दिखा देता हूं, आप बाकी इसका पार्ट जो है वो कर लेना। जैसे इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किया यहां पे dx के कारण, तो दैट इज इक्वल टू ये हो गया आपका d, इसके कारण सिमिलर वे में आप फाइंड करोगे दैट विल बी आल्सो डी, ये आपका डी हो गया। अब इसका रिजल्टेंट जो होगा इधर की तरफ आ जाएगा, राइट। सो दिस इज डी टू डी कॉस थीटा, तो थीटा जो हो गया ये आपका, ये हो गया, ये भी आपका थीटा हो जाएगा, ये भी आपका थीटा हो गया, मान लेते कि सेंटर से लिया हुआ आपने, तो ये डिस्टेंस अगर ए है, ये डिस्टेंस ए है, और ये डिस्टेंस अगर कैपिटल आर, तो आपने ले ही रखा, तो निकाल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि ई दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2d cos theta, तो मैंने इतना हिंट दे दिया, अब आपको cos theta के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके आप देखो कि आंसर जो है इसका क्या आ रहा है, ठीक है। ओके चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे क्या आपका, इसको जरा ध्यान से समझना, इसको करने की जरूरत है, मान लो कि यहां पे क्या है, हाँ आपको यहां पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, ठीक है, at its center,
ठीक है, कि मान लो कि आपके पास एक आर्क है, आर्क का मतलब एक सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन, ये है, इसके सेंटर पे, इसका सेंटर मान लो कि यहां पे, तो आपसे बोला कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अब वो आपको निकालना है, ठीक है। आर्क कितना एंगल बना रहा है उसको आप लिख के रख लो, एनीवे बाद में आपके काम ही आएगा, बट हमारे इसको जो करने की फिलॉसफी होगी वो वही होगी, ठीक है। ओके फाइन, ओके सो लेट अस डू दिस। देखो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। दिस एलिमेंट इज डी एक्स, ठीक है, एलिमेंट जो है उसको डी एक्स कंसिडर कर लो, डी एक्स की कंसिडर करा वो ना या इसको ना डी एक्स कंसिडर करना, डी एक्स चलो डी एक्स ही कंसिडर करो। दिस एलिमेंट इज डी एक्स, मान लो कि इसका रेडियस जो है वो आपका कैपिटल आर है, ठीक है, ध्यान समझना। अगर रेडियस कैपिटल आ रहा है, डिस्टेंस ये है, तो आप एक बात बताओ, आप यहां से ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अच्छा अब बोलोगे भैया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आप ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डी दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस को मान लो कि दिस इज आर, ये ना सेंटर से ये डिस्टेंस, दिस विल बी आर ऑलवेज, सो डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, ये जो डी एक्स लेंथ है, डी एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज आर टाइम्स डी थीटा। बोलोगे सर ये डी थीटा क्या है, तो डी थीटा जो हो गया इसके दो पार्ट से, जैसे आपने जो छोटा एलिमेंट ले रखा है तो इसको यहां से फिर से मिला दो, सेंटर से फिर से मिलाओगे, ये जो छोटा सा एंगल आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस एंगल विल बी डी थीटा, इसका मतलब क्या हो गया, डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू आर टाइम्स डी थीटा, ये हो गया, इसका मतलब आपका डी क्या हो गया, डी दैट इज इक्वल टू 1/4πε0, और डी क्यू को क्या लिखोगे, दिस विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो आई होप आपको ये चीज जो है बहुत आराम से समझ आ गई होगी, ठीक है, ओके फाइन। अगर आपका ये हो गया तो अब एक बात बताओ, देखो फिर से वही काम करना है, इधर आपने ये एलिमेंट लिया, इधर भी आप वही एलिमेंट लोगे, इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जरा देखना, ये इसको इधर की तरफ लेके जाएगा, ये इसको इधर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक इधर की तरफ आएगा, दूसरा इधर की तरफ जाएगा, सिमिलरली इसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे, एक इधर की तरफ जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू 2DE cos थीटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये हो गया, और आपने डी फाइंड करके रखा हुआ, राइट, और ये जो हो गया दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल आपका थीटा, सिमिलरली इधर की साइड भी एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल बी थीटा, तो उससे क्या होगा, ये एंगल भी आपका थीटा हो गया, ये एंगल भी आपका थीटा हो गया, राइट, ये सारा निकल गया। इसका मतलब E को आप लिखोगे, E कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखोगे, DE, ठीक है, 2 times D into cos थीटा, ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज ओके, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और समझ लेना, अगर आप यहां पे थीटा दोनों साइड ले रहे हो तो इंटीग्रेट यहां से लेके आधे तक ही करोगे, और अगर एक साइड ले रहे हो तो सिंपली उसको पूरे में इंटीग्रेट कर देना, यहां से लेके यहां तक आखिरी तक आप इंटीग्रेट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू, तो अगर हम आधे में लेते तो यहां पे डी कॉस थीटा लिखेंगे, और पूरे में लिखेंगे तो इसको कॉस थीटा लिखेंगे, डी कॉस थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है, ओके फाइन। अब देखो इसको यहां पे ई को क्या लिख सकते हो, आपने सारी वैल्यू वहां पे लिख रखी है, लैम्डा इंटू आर होगा, यहां पे लैम्डा आर होगा, सो ई दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा आर कॉस थीटा, जरा ध्यान से देखना ये होगा या नहीं होगा, लैम्डा आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, दिस पार्ट इज ओके। बस अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब यहां पे क्या करना है, आपको जो वैल्यू गिवन होगी कि कहां से कहां तक, अब देखो इनटू डी थीटा ये कर दिया आपने, अब देखो यहां से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 4πε0 इनटू आर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, साइन थीटा, राइट, साइन थीटा हो गया। अब चलो ये हो गया। अच्छा अब एक बात बताओ, आपको ये बात पता होगी कि अगर आपका यहां पर यह फुल सर्कल नहीं होता, ठीक है, मान लो कि ये सर्कल, ये आपका ऐसा है कि आपका ये जो है सर्कल का 1/4 पोर्शन है, ठीक है, अगर ये सर्कल का 1/4 है तो यहां पे एंगल कितना बनता, 90 डिग्री बनता, ध्यान रखना हमने 2 को यहां पे छोड़ दिया, तो इसीलिए आपको सिर्फ इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 0 to 90 डिग्री। अगर ये पूरा हाफ सर्कल रहेगा इस हिसाब से तो उसको क्या करोगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, सो तो अगर ये 1/4 सर्कल होता तो ये क्या होता, लैम्डा बाय 4πε0 इनटू आर, उसके बाद साइन 90, दैट इज 1, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली उसको दूसरे तरीके से जवाब करोगे तो वो कुछ और आंसर हो जाएगा, ठीक है, जैसे 0 से 180 डिग्री करोगे तो उस केस में 0 से 180 डिग्री या 0 से 360 डिग्री, तो 0 से 360 डिग्री में वो 0 हो जाएगा,
तो इस तरह से ये सॉल्व होता है। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इसलिए बाद में हम गॉस लॉ जो होता है उसको यूज करते हैं। बट एनीवे, अगर आपको यहां तक आ गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बस आप कैलकुलेट करना सीख लेना कि अगर इन केस मतलब आपके सेमेस्टर वगैरह में आ गया तो आपको सॉल्व इस तरह से करना है, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह से बहुत सारे और मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं जिसको आप निकाल सकते हो बहुत आराम से, हम उनको एक एक करके निकालेंगे। वैसे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से, यहां पे क्या दिया हुआ, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, इन अ रीजन इज गिवन बाय ई एक्स वाई जेड आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस सी जेड जे कैप प्लस 6BYK कैप आपको ये गिवन है, ठीक है। फॉर विच वैल्यू ऑफ, यहां पे पूछा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए बी कॉमा सी दिस ई रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कि ये जो है आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं। ए फर्स्ट जो वैल्यू है 13,112, जो वैल्यू बी है दैट इज 17,601, वैल्यू सी जो है दैट इज 13,16 और वैल्यू डी जो है दैट इज 45,601, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है, आपसे पूछा गया है कि इसकी कौन सी वैल्यू के लिए, मतलब ए बी सी की कौन सी वैल्यू के लिए ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले बोलो कि सर ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो देखो एक बात समझ लो, हमेशा याद रखना इस चीज को, आखिरी तक याद रखना। यहां पे होता है क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ये जो होता है दैट इज कॉन्जर्वेटिव। ये हमेशा कैसा होता है, एक कॉन्जर्वेटिव फील्ड होता है। कॉन्जर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है, अगर साफ समझे शब्दों में समझाया जाए तो दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जब हम लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे तब इस चीज को और अच्छे से करेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है दैट इज ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट, इसका मतलब दिस इज कॉन्जर्वेटिव। और कॉन्जर्वेटिव इसमें पता क्या होता है, डेल क्रॉस ई दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड छाप लेते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस सी जेड जे कैप प्लस 6BYK कैप, ठीक है, ये गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया, अब डेल क्रॉस ई अगर हम करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद ये क्या हो गया आपका, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई और डेल ओवर डेल जेड। यहां पे क्या हो जाएगा ए एक्स, यहां पे क्या हो गया सी जेड, यहां पे क्या हो गया 6BY, ठीक है। इसको क्या करना, इक्वल टू जीरो करना। तो जरा एक बार इसको जीरो करके देखते हैं। I कैप अगर आप लोगे यहां पे क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो तो दिस विल बी 6B माइनस यहां पे क्या हो जाएगा C, राइट दिस ओके माइनस J कैप लोगे, J कैप अगर आप लोगे देखो जरा ये और ये गायब हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ये तो जीरो हो गया और ये भी आपका जीरो ही हो गया, तो ये वाला टर्म रहेगा ही नहीं। K कैप अगर आप लेते हो तो K कैप ले लो, देखो यहां पे ध्यान से ये भी कुछ नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं होगा, मतलब सिंपली क्या आपका कि यहां से क्या आना चाहिए कि इंडिविजुअल टर्म एवरी टर्म शुड बी इक्वल टू जीरो, तो ये और ये टर्म तो जीरो है, इसका मतलब आपका क्या हो गया 6B दैट शुड बी इक्वल टू C, ठीक है। मतलब देखो आपका होना क्या चाहिए यहां पे कि A B और C की कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए, यहां पे A पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब A कैन हैव एनी वैल्यू, A की कोई भी वैल्यू होगी आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगली चीज क्या है कि 6B दैट शुड बी इक्वल टू C, मतलब B और C में ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि B को अगर 6 times मल्टीप्लाई करो तो C आना चाहिए। अब देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, A की कोई भी वैल्यू, B और C का रेशियो यहां पे देखो 12 है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो यहां पे क्या है, B इक्वल टू 6 times C, ये लिखा हुआ ना, या सॉरी सो सॉरी C दैट इज इक्वल टू 6 times B, C दैट इज इक्वल टू 6 times B, C जरा देखो C 1 है, 1 दैट इज इक्वल टू 6 times C, ये भी ऑप्शन गलत हो रहा है आपका, ठीक है। यहां पे देखो जरा C दैट इज इक्वल टू 6 times B, ये ऑप्शन भी गलत आ रहा है। देखो यहां पे C दैट इज इक्वल टू 6 times B, तो ये ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रो डेल्टा डिराक डेल्टा फंक्शन से, उसको जरा करके देखते हैं। और डिराक डेल्टा फंक्शन अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको वो आई टैब में प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, आप जाके डिराक डेल्टा फंक्शन को पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है बट इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या दिया है, अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैज चार्ज डेंसिटी, अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आपका एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इज
गिवन बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या गिवन है रो, ठीक है इसको मत समझना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, सिंपली चार्ज डेंसिटी समझना क्यू इंटू, ठीक है अब क्या है यहाँ पे डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है माइनस डेल्टा एक्स प्लस एक्स नॉट ये गिवन है, ठीक है फॉर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ फॉर दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड फील्ड एट कहां पे फाइंड करना है आपको टू एक्स नॉट, ठीक है जीरो एंड जीरो, तो आपके ऑप्शन जो है दैट इज टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स कैप है इस डायरेक्शन में क्यू, सॉरी दिस इज फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी नाइन पाई एप्सिलॉन नॉट, नाइन पाई हाँ ये नहीं सॉरी दिस विल बी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर, ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन को तब तक आप रीड कर लो और एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करो क्या आपको डिराक डेल्टा फंक्शन, लेकिन पढ़ के करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये एक्स नॉट का क्यूब, ठीक है ऑप्शन सी जो आपका क्यू एक्स डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन डी जो है दैट इज क्यू एक्स पार क्यू एक्स स्कैप डिवाइडेड बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है मतलब क्या है जरा ध्यान से देखना कि आपका यहाँ पे ना चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, चार्ज डेंसिटी इज गिवन, तो जरा इस चार्ज डेंसिटी को एक बार समझते हैं, ठीक है देखो जरा ध्यान से देखना कि डिराक डेल्टा फंक्शन का मतलब क्या होता है, दिस इज रो, ठीक है रो हो गया आपके दो पॉइंट्स है, ये ओरिजिन है और ये एक्स नॉट है और ये आपका नेगेटिव ऑफ एक्स नॉट है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करना है वो आपको इस पॉइंट पे फाइंड करना है दैट इज टू एक्स नॉट जीरो एंड जीरो, जरा ध्यान से समझना इसको ये कहना क्या चाह रहा है, डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट का आप मतलब समझो, डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट का मतलब क्या होता है दिस इज इक्वल टू ये क्या होता है दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ध्यान रखना इनिशियली दिस इज इन्फिनिटी मतलब यहां पे स्पाइक आता है, इन्फिनिटी का मतलब स्पाइक एट एक्स इक्वल टू मतलब इसका मतलब क्या हो गया एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट एंड इक्वल टू जीरो एनीवेयर, बाकी कहीं पे भी इसकी वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, मतलब जो एट एक्स नॉट अगर ये पॉइंट एक्स नॉट है तो यहां पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी और बाकी हर जगह इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसका मतलब क्या हो गया, लेकिन ध्यान से समझना आपके फंक्शन में क्या आपको जरा ध्यान से देखो क्यू इंटू डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट है मतलब एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पॉजिटिव ऑफ एक्स नॉट चार्ज कितना हो जाएगा क्यू, क्यों क्योंकि इन्फिनिटी के बाद इसको लिमिट करने के लिए आपका ये वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर, मतलब ये क्या करता है बेसिकली आपके इसकी वैल्यू को लिमिट करता है, तो इस यहां पे आपका चार्ज कितना हो जाएगा दैट इज क्यू, दूसरे केस में बात कर लेते हैं क्यू इंटू देखो ध्यान से वहां पे क्या दिया हुआ है क्यू माइनस के साथ क्यू इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स नॉट, इसका मतलब क्या हो गया कि एट एक्स प्लस एक्स नॉट इसका मतलब यहां पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स नॉट, यहां पे चार्ज कितना आपका नेगेटिव ऑफ क्यू मतलब यहां पे आपका चार्ज कितना है माइनस ऑफ क्यू नॉट, बस ये है आपका दिस सॉरी क्यू माइनस ऑफ क्यू, तो बस आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है बस यही है, इसका मतलब यहां पे चार्ज है दैट इज क्यू, यहां पे चार्ज है माइनस क्यू, अब ये बताओ कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो जरा ध्यान से देखते हैं इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन राइट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जाएगी बाहर की तरफ जाएगी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस क्या है ये x है ये 2x है मतलब डिस्टेंस कितना हो गया x स्क्वायर, q ऑफ माइनस x ये कितना हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय अब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दैट इज 9 मतलब 3 तो 3x का स्क्वायर इसका मतलब कितना हो गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय 9x स्क्वायर, ये हो गया आपका सिंपली। अच्छा अब जब ये फाइंड कर लिया तो आपको पता है कि ये वाली क्वांटिटी बड़ी है ये क्वांटिटी कम है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू e प्लस x माइनस e माइनस x, ठीक है सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले लो, यहां पे क्या बच गया q भी कॉमन ले लो, क्या बच गया आपका 1 बाय x स्क्वायर माइनस 1 बाय 9x स्क्वायर, इसको ये ले लोगे दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, इसको सॉल्व कर लो आप कितना हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 9x स्क्वायर और उसके यहां पे क्या हो गया 9 माइनस 1 दैट इज 8, तो आपका आंसर जो है वो इतना आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 8 बाय 9x स्क्वायर, ठीक है तो आप ऑप्शन मैच कर लो कि ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा मैच कर रहा है, तो यहां पे ये 2 हो जाएगा मेरे ख्याल से इसको 9 नहीं एक्चुअली ये 4 नहीं था ये 9 ही था, तो आपका आंसर जो है वो यही वाला आएगा, चेक कर लेना इसको, ठीक है ओके सो दिस इज द आंसर, ठीक है तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन जो है वो आप बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है तो कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के उनको करेंगे नेक्स्ट सेशन में,
ठीक है। सो अच्छा, और हाँ प्लीज वीडियो को आप जो है लाइक कर दे, शेयर कर दे, जितना शेयर करोगे उतना अच्छा लगेगा, और देख के जाते तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।